मैं अब्दुल बाकी जत्तक, प्रोफेसर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। साथ साथ मैं फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का बलूचिस्तान चैप्टर का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा ये आज का एहतजाजी जलसा जो तकरीबन 26वें 27वें रोज़ में ये एहतजाजी तहरीक दाखिल हो चुकी है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं जो हमारी वाइस चांसलर और गवर्नमेंट हल नहीं कर रही। उसमें हमारे जो है 25% डिस्पैरिटी अलाउंस, 44% जो फेडरल गवर्नमेंट ने मुलाजमीन के जो है हाउस रिक्विजिशन में इजाफे किया है वो, और साथ में सिंडिकेट की मीटिंग्स, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में सेलेक्शन बोर्ड्स जिसको वो गुज़िश्ता 2 सालों से लेट कर रहे हैं, तो हमारे सज़ा कराम जो अब रिटायरमेंट के करीब हैं उनके सिलेक्शन बोर्ड भी नहीं हो रहे, तो ये जायज़ चंदे का कुक हैं। उनके लिए 27वां दिन है। वाइस चांसलर साथ साथ हमारे चांसलर जो गवर्नर है वो भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जो इस वक्त सख्त हालात से गुजर रहा है उस पर मुकम्मल खामोश है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी यकीनन माली हालात की वजह से, माली मुश्किलात की वजह से बहुत सख्त मुश्किलात में है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के पास इस वक्त तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। इसमें यकीनन हमारी इंतज़ामिया का भी कसूर है और उसके साथ साथ जो हमारे हुकूमतें हैं उन्होंने भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, बलूचिस्तान हुकूमत को, जो गवर्नमेंट ने हुकूमत ने जो पैसे देने थे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को वो भी पूरी नहीं दे पा रहे, और जिसकी वजह से इस वक्त बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी तनख्वाहें देने से कासिर है। तो ये जो हालात तक इस वक्त तक हम पहुँचे हैं इसमें हमारे इंतज़ामी सरबराहान का पूरा पूरा हाथ है। इससे पहले वाले वाइस चांसलरान या ये इस वक्त जो बैठा हुआ है ये इसमें मुकम्मल तौर पर इस गुनाह कबीरा में शामिल है। मेरा नाम फरीद खान अचगजई है और असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीम एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जहाँ तक आपने यूनिवर्सिटी के मुतालिक सवाल किया, हमारी यूनिवर्सिटी जब से ये वाइस चांसलर 2 साल हुए हैं आए हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी को माली तौर पर, इंतज़ामी तौर पर और तालीमी तौर पर बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। क्योंकि ये खुद जिस तरीके से आए हैं ये किसी प्रोसेस के तहत नहीं आए बल्कि पैराशूट के ज़रिए हमारी यूनिवर्सिटी पे नाजिल हुए हैं, और इसकी तालीमी अहलियत और तालीमी सलाहियत भी इतनी नहीं थी कि वो यहाँ पे एज ए वाइस चांसलर अपॉइंट हो। क्योंकि ये कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में इनकी 11 साल सर्विस थी, 11 साल में ये 9 साल OSD और सस्पेंड रहे हैं, वहाँ से ये इंपोर्ट किया गया और हमारी यूनिवर्सिटी पे नाजिल किया गया। इनके साथ हमारी यूनिवर्सिटी के ट्रेजरार साहब मिले हुए हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी को काफ़ी माली तौर पर नुकसान पहुँचाया, यूनिवर्सिटी के सारे अकाउंट्स खाली कर दिए और यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को उनकी मुकम्मल तनख्वाह की अदायगी भी नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा किया, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के हठधर्म और नाहल वाइस चांसलर कहते हैं कि हम इस इजाफे को नहीं मानते और हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्योंकि पैसे उन्होंने मिसयूज़ करके, खा पी कर सारे अकाउंट्स खाली कर दिए। हत्ता कि आप देखें हमारी तनख्वाह में से जो मंथली डिडक्शन होती है वो हमारी अमानत होती है यूनिवर्सिटी के पास, पेंशन और GP फंड के मन में उन्होंने ये अकाउंट भी खाली कर दिए और यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया है। हमने हुकाम बाला से, गवर्नर साहब से मुलाकातें की, उनको याद दहानी कराई, उन्होंने हमसे वादा किया कि मैं यूनिवर्सिटी आऊँगा, आप लोगों के साथ बैठ के इस मसाइल को हल करूँगा ताकि यूनिवर्सिटी बिल्कुल बाइज्जत तरीके से चल सके। लेकिन आज आप देखें 25 रोज़ हो गए हैं, असातिज़ा, ऑफिसरान, मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, और अब 26वां दिन है कि यूनिवर्सिटी के तमाम असातिज़ा कराम और मुलाजमीन लॉन्ग मार्च की शक्ल में यूनिवर्सिटी से निकले, सरयाब रोड से होते हुए इस रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में प्रेस क्लब पहुँचे हैं। बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन अपने जायज़ हुकूक़ के लिए जदोजहद भी बरहक होता है। आज भी हम गवर्नर साहब से मुतालबा करते हैं कि इस नायल शख्स को फिलफोर हटाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी को चलाने में नाकाम हो चुका है, किसी सीनियर प्रोफेसर को इसका चार्ज दिया जाए और इस बाबरकत महीने में मुलाजमीन जिस परेशानी का शिकार हैं उस परेशानी का हल निकाला जाए। और इसके साथ साथ एक बड़ा आलमिया सूबाई हुकूमत की तरफ से भी कल एक तरमीमी
बिल पास हुआ है, बलूचिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों का तरमीमी एक्ट पास हुआ है जो एक तालीम दुश्मन एक्ट है। ये वो एक्ट है जो मुशर्रफ के दौर में हायर एजुकेशन कमीशन ने मॉडल एक्ट के नाम से नाफिज किया था आर्डिनेंस की शक्ल में, जिसे हमारी सूबाई असम्बली ने बाद में रद्द कर दिया, लेकिन फिर एक साजिश के तहत हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज़ पे ये एक्ट हकूमत ने कल पास कर लिया। हमारे दुख और अफसोस की बात यह है कि इसके पास करने में एक बलोच कौम परस पार्टी ने भी हकूमती इस बिल का साथ दिया। आप देखेंगे कि आने वाले दौर में यूनिवर्सिटियाँ इस एक्ट की वजह से कितनी तबाह होंगी। एक फर्द वाहिद को इस एक्ट में वाइस चांसलर को इख्तियार दिया गया है कि वो अपने डिक्टेटरशिप करके इस यूनिवर्सिटी को चलाएं। आप ख़ुद अंदाज़ा करें जब यूनिवर्सिटी के फैसला साज इदारे सेनेट सिंडिकेट एकेडमिक कौंसिल और फाइनेंस कमेटी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे, सूबाई असम्बली के मेंबरान नहीं होंगे, जजेस नहीं होंगे जो पहले इस एक्ट का हिस्सा थे, और एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन और प्रोफेसर और असातिज़ा नहीं होंगे, तो एक फर्द वाहिद इस यूनिवर्सिटी में अपने अपने सिलेक्टेड लोगों को लाकर उनसे किस तरीके से फैसला करवाएंगे और यूनिवर्सिटी को मजीद तबाही से दोचार करेंगे। पास किया है बलूचिस्तान यूनिट में 2012।